एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री मैरिट। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री मैरिट के एक और ब्लॉग में। दोस्तों, आज आप सोच रहे हो कि आज आपके इरफान भाई आपको कहाँ लेके आ गए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ ऑटोबेस्ट इंपीरियो डीलरशिप पे, जहाँ पे आज हमने आपको दिखानी है वराइटीज़ ऑफ लग्जरी कार। और मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आजकल हम लोग काफ़ी छुट्टियाँ ले लेते हैं, आपको कल मैं वीडियो नहीं दे पाया। उसका रीज़न यही रहता है कि आजकल मानसून चल रहा है और शूट हमारे कैंसिल हो जाते हैं कई जगह पे, तो उस चीज़ को माइंड मत करिएगा। और हमारी कोशिश वैसे यही रहती है दोस्तों कि हम आपको डेली ही डेली वीडियो दें, एक भी दिन मिस ना करें। बट ड्यू टू सम रीज़न कभी कभी हेल्थ भी भाई की ख़राब होती है, तो इसलिए हम छुट्टी ले लेते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे वराइटीज़ ऑफ लग्जरी कार ऑटोबेस्ट इंपीरियो में हम आए हुए हैं आप सब भाइयों के लिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, जहाँ पे मैं बहुत सारी गाड़ियों की अपडेट आपको बताता हूँ। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउटआउट है वो उस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने हमारी वीडियो पे बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउटआउट गोज टू आदिप के ब्लॉग, थैंक यू सो मच भाई कि आपने माय कंट्री मैरिट की वीडियो पे कमेंट किया। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और लेके चलता हूँ शोरूम में। तो चलिए, अब सीधा चलते हैं ऊपर, आइए। सो हेयर वी आर इन साइड द शोरूम, और यहाँ पे आज हम आ चुके हैं दोबारा से शूट करने। सारा स्टॉक हमेशा की तरह रेडी है ऑटोबेस्ट इंपीरियो पे। तो आज जो गाड़ी का जो हमने नंबर लगाया वो रहने वाली है BMW की, जो अभी आने वाली है शूट के लिए, तो उसके लिए आप वेट करिए। ओके दोस्तों, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री मैरिट के एक और व्लॉग में। तो आज दोबारा से हम आपको लेके आए हुए हैं ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे, और गाड़ी हमने आपको दिखानी है बहुत ही स्पेशल, आप थंबनेल में देख के आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूँगा जो यहाँ पे हैं मैनेजर, जो टेक केयर करते हैं सारी सेल्स को, हमारे अश्मित भाई। अश्मित भाई, वेलकम टू माय कंट्री मैरिट, और सारे सब्सक्राइबर को एक बार हाय जरूर कर दें। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे भाई आपको जानने लग गए हैं जैसे जैसे हम आपके साथ वीडियो बनाते जा रहे हैं, काफ़ी सारे भाई फेमिलियर हो गए हैं। बट आज जो हमने आपको गाड़ी दिखानी है बेसिकली वो गाड़ी है जी, आप सबसे पहले लोगो देखो, वो गाड़ी है BMW। काफ़ी सारे भाइयों को इस चीज़ का शायद नहीं पता होगा कि BMW स्टैंड किस चीज़ पर करता है। BMW की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है बवेरियन मोटर वर्क्स। भाजी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक है। अब आज जो हमने गाड़ी करनी है, एक तो ये गाड़ी बजटेड रहने वाली है, जब मुझे पता लगा ऑटोबेस्ट के स्टॉक में है, और इस गाड़ी की क्या प्रोफाइल है आप हमारे सब्सक्राइबर को बेसिक से शुरू करके बताएं। बात करेंगे आज BMW, हम आपको 3 सीरीज़ नहीं दिखाने जा रहे हैं, जो ठीक है अभी लेटेस्ट इन लुक्स है, ठीक है की जाती है इस गाड़ी की। तो 320d ये लग्जरी लाइन है जी, ठीक है। आप देखेंगे इसमें BMW LEDs है, 2 रिंग्स LEDs है जी, आप आराम से देखिए तसल्ली से इस गाड़ी को। अब इसके प्रोजेक्टर आप देखते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में खड़ी है, और गाड़ी है BMW 320d लग्जरी लाइन, दैट इज अ टॉप मॉडल जी। अब और कुछ बताएं इस गाड़ी के बारे में, बात करते हैं इसके इंजन की। ओके, इंजन की जो कैपेसिटी है वो है 2 लीटर डीजल इंजन, 2 लीटर डीजल, ये 188 bhp क्रिएट करती है। ओके, BMW मानी जाती है फास्टेस्ट स्पीड के लिए जी, बिल्कुल। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको इस गाड़ी की पूरी प्रोफाइल दिखाते हैं। अभी आपने जो इंजन स्पेक्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जो इंजन है ये कितनी एवरेज या कितनी माइलेज जनरेट कर देता है? माइलेज की बात करेंगे तो ये 10 से 11 की माइलेज जनरेट करता है आराम से डीजल इंजन होने के बाद। अब एक बात और बताओ अश्मित भाई, हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, उन लोगों का मानना ये है कि जैसे BMW जैसी गाड़ी वो परचेस करते हैं तो एक मिथ सा है ऑडियंस में कि यार ये जो एवरेज है ये शायद 5 की एवरेज देती होगी, ऐसा
ऐसा क्या है, क्यों नहीं है ऐसा? ऐसा होता है कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, हाँ, ठीक है, कि माइलेज कितनी है, कैसे आ रही है। धीरे धीरे जब आप देखेंगे मार्केट में पता लगता है, एग्जैक्ट लोग चलाना शुरू करते हैं, उसकी सर्विस कॉस्ट, ठीक है, उसके टायर्स की बात करते हैं, इसके टायर्स की धीरे धीरे, तो ये आपका रन फ्लैट टायर्स आते हैं इसमें, 17 इंच का टायर है जिसे मल्टी स्पोक रिंग्स देख रहे हैं, ये मल्टी स्पोक रिंग्स है। आपने अभी कुछ रनिंग फ्लैट जैसी कुछ बात करी। रन फ्लैट टायर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप अगर कहीं दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, हाँ जी, और पंचर हो गया है तो कुछ भी हो गया है, आप उस पंचर की रेंज में 150-200 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हो। सीरियसली? जी बिल्कुल। और आपको लगता है इसका कहीं से टायर बल्ज हो गया या कुछ हो गया है तो आप इस गाड़ी को ऑलमोस्ट नेक्स्ट पंप तक लेके जा सकते हैं। ये बात पक्की बात है, ये 100 किलोमीटर तक चल जाएगी पंचर पे? ज़्यादा चला सकते हैं, 100 से 200 चला सकते हैं, यही लग्जरी गाड़ियों की खास बात है। अब पीछे से आप इसकी लाइट देखिए, ड्यूल एग्जॉस्ट इसके अंदर दिख रहा है मुझे। अब इसका बूट स्पेस भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या रहने वाला है बूट स्पेस। अब ये देखिए, अब थोड़ा सा बूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे जिसमें आप बूट में देख रहे हैं जो स्पेशल एक व्हील पड़ा हुआ है, तो ये डोनट व्हील है। डोनट व्हील का मतलब है जैसे कभी आपको लगता है अभी हम बात कर रहे थे 200 किलोमीटर तक, जी जी, 200 किलोमीटर के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, 200 आप ज़्यादा भी चलते हैं, कई बार आपको लगता है कि मैं 300-400 किलोमीटर चलना चाहता हूँ, आपका टायर फट गया, बर्स्ट हो गया, ठीक है, तो ये उसके लिए डोनट व्हील दिया गया है। बहुत बढ़िया। डोनट व्हील का मतलब है कि आप अपना ट्रैवल जर्नी पूरी करके आप ये डोनट व्हील को वापस इसमें रख के नया टायर डलवा सकते हैं उसको। ये सेडान गाड़ी है तो किसी भी टेरेन में चलाने के लिए गाड़ी कितनी ज़्यादा रिलायबल रहने वाली है? जाते हैं आप देखेंगे स्पोर्ट्स, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट्स प्लस मोड, इको मोड, ओके, चार मोड जिसमें आते हैं। बात करते हैं इसके पीछे की, okay. आप देखेंगे इसमें इनबिल्ट स्पॉइलर है। ओके, इनबिल्ट स्पॉइलर भी है इस गाड़ी के अंदर, वैसे दिखता नहीं है बट साइड से मिस्टर व्यास कोशिश करेंगे आपको एक साइड से दिखाने की कि ये इनबिल्ट स्पॉइलर, ये सीरियसली स्पॉइलर की शेप लग रही है इस टाइम। पीछे जो आप एंटीना देख रहे हैं ये इसे कहते हैं जी शार्क फिन एंटीना। शार्क? तो शार्क फिन एंटीना तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये शार्क की शेप में है? नहीं, बेसिकली आप उसको कह भी सकते हैं एक गाड़ी की पहचान होती है, बेसिकली पहचान के साथ साथ एक कनेक्टिविटीज होती है जो आप FM वगैरह देखते हैं ना, ठीक है, तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा बेटर करता है। बहुत बढ़िया। तो अब अंदर लेके चलते हैं। अंदर लेके चलते हैं और आप मिस्टर व्यास आपको दिखाएंगे इसके नेविगेशन क्या क्या है इस गाड़ी में। इसमें नेविगेशन है आपका, 2 मेमोरी सेटिंग सीट्स हैं, CD कनेक्ट कर सकते हैं आप, साथ साथ आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट एडिशन मॉडल है, ठीक है, स्टाइलिश बटन्स है, वीनियर जो देखेंगे ब्लैक कलर का है, ड्यूल टोन इंटीरियर्स हैं, ब्लैक विद बेज, तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सुंदरता से इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी डिज़ाइन की गई है, 2 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग आती है, एक ऑरेंज एंड एक वाइट। बहुत बढ़िया। तो ये तो रहा आगे से स्पेस और आगे से थोड़ी सी स्पेक्स, अब थोड़ी सी पीछे से भी देखते हैं। अब पीछे से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या स्पेस रहने वाला है। अगर मैं आपको बैठ के भी एक बार दिखाऊं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, मतलब लेग रूम भी। स्पेस के साथ साथ आप देख रहे हैं कितना कंफर्टेबल आप बैठे हुए, थाई कंफर्ट सीट के साथ। सीरियसली खोल के देखेंगे, बटन प्रेस कीजिएगा बीच वाला ब्लैक वाला, ठीक है, तो आप देखेंगे तो 2 ग्लास होल्डर्स हैं, जबरदस्त रेयर एसी वेंट। जैसे आप हमेशा वीडियो में कहते हैं मनाली जाते हैं तो आप मनाली जाएंगे पाजी? नहीं पाजी, मनाली नहीं जाते, हम जाते हैं लद्दाख। लद्दाख जाते हैं तो देखिए आप चाहे जाएं मनाली या लद्दाख, लेकिन ग्लास होल्डर आप रखे हैं। बिल्कुल। सनरूफ भी है गाड़ी के अंदर, अगर सनरूफ, नेविगेशन जो मैंने आपको बताया, ये सारे फीचर्स मिलेंगे इस गाड़ी में। अब ये देखिए, अब ये जो कर्टन्स की बात हो रही है, अब ये देखिए ये मैनुअल कर्टन्स है, ये प्राइवेसी कर्टन्स, प्राइवेसी कर्टन्स होते हैं, बट ये भी बहुत समर में बहुत इफेक्टिव रहते हैं कि आपको जो भी सनशेड से बचना है तो आप बच सकते हैं। बाकी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है देखने में और मज़ेदार रहने वाली है गाड़ी। पर बिना किसी तरीके अब इसका मॉडल डिस्क्लोज करो कि क्या मॉडल रहने वाली गाड़ी है। 2017 मॉडल है ये। ओके, 17 मॉडल है गाड़ी। अब थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो इस तरफ से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी के अंदर। जैसे अभी आप ये देखेंगे तो ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है गाड़ी के अंदर, ये छोटे छोटे से की फीचर होते हैं गाड़ी के कि यहाँ पे लाइट चल रही है भाई। अनलॉक करते ही आपको डोर हैंडल दिखेगा, ऑल 4 डोर्स। अब ये देखिए, इनफैक्ट मेमोरी सीट्स भी हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स भी आप देख सकते हैं, स्टेयरिंग पे कंट्रोल देख सकते हैं, BMW का मीटर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से किस कंडीशन में, और बिल्कुल ही प्रीमियम है। मल्टीमीडिया के हिसाब से इसके अंदर क्या क्या फीचर है? CD/DVD के हिसाब से में CD प्लेयर, नेविगेशन, ओके, आप अपनी एक ही स्क्रीन में सारी चीज़ें देख सकते हैं विद द टच पैड डायल, ऑक्स, ब्लूटूथ, एवरीथिंग इज रिकनेक्टेबल।
प्लस पैडल शिफ्टर्स आपके स्टेयरिंग में दिए गए हैं, आप स्पोर्ट्स प्लस में चलाना चाहते हैं तो पैडल शिफ्ट आप देख सकते हैं कि भाई प्लस भी है माइनस भी है। अगर आपको थोड़ी सी, वो जो अश्मित भाई ने भी बताया कि अगर आपको थोड़ी सी स्पीड लवर हैं आप तो ये गाड़ी आपके लिए हो सकती है। अब थोड़ी सी किलोमीटर की बात करते हैं, किलोमीटर कितने रहने वाले? किलोमीटर है ये 40,000 चली हुई है जी। अब मीटर पे भी आप साफ साफ देखें, ये जो हम आपको बता रहे हैं मीटर पे साफ साफ आप देखते हैं कि 40,000 चली हुई है। अभी आप कुछ बता रहे थे डोर के बारे में, बात करते हैं इसके वीनियर की, तो वीनियर के लिए आपको दिखाएंगे मिस्टर व्यास इसी वीडियो में। पाजी ये जो है ये पियानो फिनिश, ये वुडन है या फिर ब्लैक? बेसिकली इसका नाम होता है। ओके, देखेंगे पूरे कंसोल के नीचे जी नाइसली डिजाइंड पियानो ब्लैक इंटीरियर। अब उधर भी देखेंगे तो स्क्रीन पे पीछे, पीछे भी है, पीछे देखेंगे तो आपके पीछे वाले डोर्स में भी आप देखेंगे। तो ये ड्यूल टोन की फील लेके आता है जबरदस्त, प्लस एक लग्जूरियस 3 सीरीज लग्जरी लाइन आप ले रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत बढ़िया है, ऑटो बेस्ट एम्पेरियो के स्टॉक में खड़ी हुई है। आप इसकी डील क्रैक करना चाहते हैं तो इसकी दोबारा से हम आपको डिटेल बताते हैं अश्मिता के साथ। अश्मिता बिना किसी देरी के एक एक चीज़ बता दो इस गाड़ी की। ये BMW 320d लग्जरी लाइन है, ठीक है, 2017 रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी 40,000 किलोमीटर ड्रिवन है ऑन रिकॉर्ड, इंश्योरेंस इसकी पूरे साल December 2019 तक है, वेरी गुड। एंड बात करें इसकी प्राइस की तो 25.75 लाख इज द आस्किंग प्राइस, 25,75,000 रुपये आस्किंग प्राइस है। बट जब आप आएंगे तो आपका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे, आप माई कंट्री मायराइड का रेफरेंस देंगे, आपको गाड़ी दे के भेजेंगे। बट गाड़ी की डील है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, करवाना कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर, इन शॉर्ट भी है गाड़ी। पाजी एक बार रजिस्ट्रेशन बता दो कि कहाँ की रहने वाली है? ये यूपी नंबर रजिस्ट्रेशन है, यूपी नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी है। अगर कोई अदर स्टेट वाला भी इस गाड़ी को लेना चाहता है तो बिना किसी टेंशन के ले सकता है, क्योंकि अगर कोई अदर स्टेट से आता है लेने के लिए तो उसके लिए हम NOC प्रोवाइड कर देंगे, पैन इंडिया। बिल्कुल, पैन इंडिया गाड़ी की NOC अवेलेबल है, ठीक है। बात करते हैं कि इसके लोन की, तो लोन हम लोग जो कराते हैं उसके बाद आपको जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिल्ली से 12-12.5% है, ओके, दिल्ली में 11.5% है, ठीक है। और आपको मेरा नंबर याद ही है 4 टाइम 8 5 4 टाइम 8 6, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके कभी भी याद कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर आपको माई कंट्री माई राइड पर मिलेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन चेक करके आप अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आज की डील होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये गाड़ी आप बहुत ढूंढते हैं BMW की 320d और आपके लिए लेके आ गए हैं। और कोई बंदा फाइनेंस करवाना चाहता है इस गाड़ी को तो फाइनेंस भी गाड़ी हो जाएगी बिना किसी टेंशन के। तो इसी के साथ माइकेंट्री मार्ट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग माइकेंट्री मार्ट, सी ऑफ, बाय फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियो। और पाजी एक बार बाय जरूर कर दें। बाय दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई गाड़ी के साथ, नई वीडियो के साथ, 320d GT। बहुत बढ़िया, बाय जी।